Assalamualaikum guys, कैसे आप लोग ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। तो आज मैं आया हुआ हूँ एक्सपो सेंटर में और मेरी देख सकते हैं मसाला फेस्टिवल लगा हुआ है। और तो अभी अब मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ के मनाज़िर दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे जो है मसाला फेस्टिवल लगा हुआ है। और तो गाइस फाइनली अभी हम आखिरी मरला में पहुँच चुके हैं और माशाल्लाह से इतना अमेजिंग अमेजिंग फेस्टिवल है। तो हम यहाँ पे पहले काशी कराएंगे। आप यहाँ से आ जाए ठीक है। फाइनली गाइस अभी हम एंटर हो चुके हैं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, किसी फैमिली ने मेरे को एंटर करवा दिया यहाँ पे। और बहुत खुश सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने एंटर करवा दिया है। चलें तो गाइस अभी हम फेस्टिवल में एंटर हो चुके हैं और मैं आपको फेस्टिवल के मनाज़र दिखाऊँगा। और ये देखें कितने प्यारे प्यारे बच्चे झूल रहे हैं और ये मोर आगे जाएंगे। और मैं आपको कोई आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा फेस्टिवल लगा हुआ और यहाँ पे काफ़ी पब्लिक है माशाल्लाह से। तो साथ रहिएगा आप। तो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं और इतनी देर वेट करवाने का मकसद यही था कि ये जो है वो क्या मेरे साथ साथ देख सकते हैं। और हम आगे जाएंगे और आगे के मनाते दिखाता हूँ। ये देखें झूले माशाल्लाह से। ये आप देख सकते हैं। तो मसाले की तरफ जाएंगे। बड़ी मुश्किलों से मुझे अंदर जाने का मौका मिला और फाइनली तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए हैं। बड़ी मुश्किलों से जो है गाइस अंदर आने का मौका मिला और यहाँ पे मैं आगे जाता जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इतनी आवाम है माशाल्लाह से। आवाम जितनी मैं तो रश में फंस गया हूँ, लेकिन क्या करें आप लोगों के लिए आना पड़ा गाइस। ग्रुप है ना कमेंट से और सब लोगों को भर दीजिएगा। आज इतना लगे कि यार इतना प्यार मिला है फेस्टिवल को पास कर लेंगे। गेम खेलेंगे और गेम में जीतने पर मुझे इनाम मिलेंगे। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं और देखते हैं कि मेरी किस्मत कैसी है। तो हम ट्राई करेंगे पहले बॉक्स पे। तो गाइस वो जीते भाई लंच बॉक्स। तो गाइस मैं लंच बॉक्स जीत चुका हूँ। लंच बॉक्स क्या भाई फाइनली गाइस लंच बॉक्स ले लिया है। तो गाइस मैंने माइक लगा लिया है, वो इसलिए लगाया है कि यहाँ पे आवाज़ सही नहीं आ रही थी। तो अब मेरी आपको आवाज़ सही आएगी क्योंकि अब मैंने जो है माइक लगा लिया। तो फाइनली गाइस मैंने ये जीत चुका हूँ एक उसमें। तो आप बोलेंगे बार बार यही दिखा रहे हैं क्योंकि भाई मेहनत की है, मैंने निशाना लगाया है। अभी हम जो है तो लेडी मुझे मिली है और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे आके इनको कैसे लग रहा है। तो बस नॉर्मल है, इतना नहीं है, कुछ भी कुछ खास नहीं है, बस मज़ा आ रहा है। फैमिली के साथ निकले एंजॉय करने के लिए और बस एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। लोगों को आना चाहिए लेकिन थोड़ा कम ही आए तो बेहतर नहीं है। मेरे सर में दर्द हो चुका है, बहुत ज़्यादा रश बहुत हो रहा है, पाँव रखने की जगह नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम और भी लोगों से रिव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि उनको यहाँ पे आके कैसे लग रहा है। अभी आगे चलते हैं, गर्मी ने मेरी रेट मार दी है। मैं आप लोगों के लिए आया था गाइस। जी तो गाइस एक प्यारे से भाई मुझे मिले और उन्होंने कहा है कि मैं आपको अपने परफ्यूम जो है ना उसकी जो है ना फ्रेग्रेंस चेक करवाता हूँ, ट्राई करवाता हूँ। तो चले भाई की परफ्यूम की ट्राई करते हैं।
चलो भाई देखो जरा टेस्ट करवाओ। अच्छा एक नशा है भाई, एक नशा है फ्रेगनेंस। अच्छा गाइस अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत सारे गेम्स हैं, मैंने बहुत इन्जॉय किया और अभी मैं कॉन्सर्ट के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ, सो अच्छा लग रहा है जी, बहुत इन्जॉय करे आए आप। वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा और बहुत एक्साइटमेंट एंजॉय है, केम हियर आफ्टर मिलके बोलेंगे सारे मिलके बोलो क्योंकि आई वाज सो बिजी माय स्टडीज एंड डिडंट हैव टाइम, सो आई एम आल्सो रिकॉर्डिंग माय व्लॉग बट मैं ये इन्होंने मुझसे बोला कि आप रिकॉर्ड करो तो मैं आ गई हूं। जी चैनल नेम, माय चैनल नेम इज मिस परफेक्शनिस्ट। तो गाइस इनका चैनल भी, इनके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी हम आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। टांक मसाला पे आके हमें बहुत अच्छा लगा है और यहाँ पर चूंकि इतना अफरा तफरी होती है, जॉब वाले लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो फिर ये दो साल बाद मसाला लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा स्टॉल है और बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल रिकमेंड करूँगी, आप लोग आए अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, फूड कोर्ट में इंजॉय करें, अभी कॉन्सर्ट होगा वो इंजॉय करें और बहुत अच्छे स्टॉल्स हैं। बहुत अस्सलाम वालेकुम, और हमें आज मसाला फैमिली फेस्टिवल में और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ बहुत सारी इंजॉयमेंट्स हैं, हम भी अभी एंटर हुए हैं और अभी यहाँ बहुत सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने मज़ा किया मसाला फैमिली फेस्टिवल में, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत सारी इंजॉयमेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैम्पर्स हैं, गेम्स हैं, आप सब भी आएँ और इंजॉय करें, थैंक यू सो मच। यहाँ आके एक्सपो लगा हुआ है मसाला फैमिली फेस्टिवल, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे स्टॉल्स हैं, अच्छा क्राउड है। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद लगा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग और बहुत क्राउड है यहाँ पर अभी और बहुत कंजस्टेड भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, और यहाँ के प्राइजेस भी अच्छे हैं, काफ़ी चीज़ें भी अच्छी हैं, मार्केट से रेट्स भी अच्छी मिल रहे हैं। जी तो मैम मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है, और जैसे कि मैंने सबसे पूछा है कि यहाँ पर अच्छा सिस्टम है, तो आपको ये बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है आप यहाँ पे आके और आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा जो है कराची फेस्टिवल अरेंज किया है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, स्पेशली क्योंकि आजकल के जो दौर में जो इतने स्ट्रेस लोग के अंदर है और लोग परेशान हैं हालात से, तो उसको देखते हुए ये जो इवेंट अरेंज किया है बहुत अच्छा इवेंट अरेंज किया है और इस तरह के इवेंट्स को होना चाहिए मैं ये समझती हूँ, ताकि लोग जो है फ्रेश हो, एंटरटेन हो और जो भी इनके फ्रस्ट्रेशन है, जो स्ट्रेस उनके अंदर है, वो इस इवेंट के थ्रू जो है उसको रिलीज़ कर सकते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। इनसे सॉन्ग सुनते हैं तो चलें बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सर? मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तुम्हें हाथों की मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरे ले ले पलाए, तेरे सदके उतारे, तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए। तो गाइस आपने देखा कि कितना प्यारा सॉन्ग माशाल्लाह से इन्होंने सुनाया, तो अभी हम और आगे चलते हैं और मैं आप लोगों को और आगे के बनाते दिखाऊंगा, तो मेरे साथ ही रहिएगा। तो गाइस फाइनली माशाल्लाह से हमने काफ़ी लोगों से जो है ना, तो गाइस मेरे साथ एक और वीमेन मौजूद है जो कि उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे उनको आगे कैसा लग रहा है, तो बात करते हैं। मैं तो अभी वैसे काफ़ी लेट आई हूँ, लेकिन मसाला फैमिली फेस्टिवल का हर साल, अभी तो काफ़ी साल बाद लगा है, बट मेरी फैमिली जो है वो हर साल अटेंड करती है और इस बार भी जो है ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ पहले जैसी बात नहीं है क्योंकि डेफिनेटली जो है वो काफ़ी टाइम बाद लगा है, लेकिन नो डाउट जो है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्टॉल सब बहुत अच्छे हैं और गेम आगे इवेंट्स होने चाहिए ताकि हम भी थोड़ी टेंशन से डिस्ट्रैक्ट हो सकें।
बिल्कुल बहुत अच्छा इवेंट था। तो गाइस अभी वाइटल की मैं चाय ले रहा हूँ, इनकी स्पॉन्सरशिप भी कर रहा हूँ फ्री फंड में। तो अभी मैं इनकी चाय ले रहा हूँ, तो अभी चाय पीते हैं इसके बाद। फाइनली चाय ले ली है और पी के आपको बताऊँगा कि मुझे कैसी लगी चाय, ये फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ रहिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अब अबाउट। जी तो गाइस एक गेम की तरफ जा रहे हैं, तो गेम खेलेंगे, गेम आज गेम खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गेम किस तरह का है? ये बच्चों का गेम है सर, बेसिकली ये है कि सांप वाला गेम है और इसमें बच्चे खेलेंगे। नहीं आप बच्चे तो नहीं, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है और विन करने पे उनके जो है वो जूसेस हैं गिफ्ट में। हमें नहीं पिलाएंगे जूस, अभी वो खत्म हो गया, वो लेने गए मैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम, यहाँ में बहुत मज़ा आ रहा है, मसाला फैमिली फेस्टिवल की तरफ से हम लोग आए हैं, आपको बहुत मज़ा आ रहा है। इधर न्यू एक्टिविटीज़ हैं, खाने की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलते हैं, बहुत मज़ा आता है। मुझे एक और लेडी मिली है, तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। जी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, अभी सिंगर का वेट कर रहे हैं, दो आने हैं, दोनों में से कोई एक भी बैंड नहीं आया है। बिलाल सईद का कॉन्सर्ट देखने के लिए स्पेशली आए थे यहाँ पर। अभी हो गई है आज? जी आज बिलाल सईद का भी और खुद गर्ज ने भी आना है। शुगर लगाएंगे मसाला वालों का। गाइस फेस्टिवल चला हुआ है और ये मसाला वालों का फेस्टिवल चल रहा है, तो मैं ज़रा ये दिखाऊंगा नहीं क्योंकि लाइव चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली फेस्टिवल्स है, मतलब आपको फूड बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, साथ में आपको लाइव कुकिंग कॉन्सर्ट सब कुछ अवेलेबल है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। फैमिली फेस्टिवल है, कोई इतनी हरेसमेंट नहीं है, अच्छा माहौल है, क्योंकि हम तो पहली दफ़ा आए हैं ऐसी जगह पे, तो अच्छा ही है सब कुछ, सही है। क्या क्या खाया? अभी फिलहाल मैं फूड कोर्ट में एंटर हुई हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी और इन्जॉयमेंट की जहाँ तक बात है तो मैं तक तो ऐसी आगे क्या क्या होता है यहाँ पे सुना है कुछ लगा, सो मे भी वहाँ तक मैं रुक जाऊँ। आतिफ असलम ने बिलाल सईद आना बिलाल सईद, ओहो इसका मतलब मुझे मिस गाइड किया गया है। एक्सपो फेस्टिवल में आई मई हूँ और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, माया अली और बिलाल अशरफ भी हैं पीछे और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, खाना पीना बहुत सब कुछ मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े गए सब कुछ। तो गाइस मेरे साथ एक और गेस्ट मौजूद है और ये माशाल्लाह इनकी हाइट भी मुझसे लंबी है, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बताएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है और यहाँ पे आप इंजॉयमेंट कर रही हैं? जी बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग यहाँ आते रहते हैं हम लोग, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो माशाल्लाह आपकी हाइट कितनी है वैसे? इतना अंदाज़ा नहीं है, आई थिंक 5'9" 5'9" क्योंकि गाइस बहुत कम होती हैं माशाल्लाह, गर्ल्स हैं इतनी हाइट वाली, लेकिन मैंने तो आज बहुत कम देखी है ऐसी, लेकिन चले मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अभी मैं पहले बचपन में पहले आई थी, लेकिन अभी जाकर दोबारा आई हूँ, बहुत टाइम बाद अलग अलग चीज़ें स्टॉल्स देखने को मिल रहे हैं। खाया पिया आपने? जी वो खाया, स्टॉल्स में जो बर्गर वगैरह मिल रहे थे वो खाए हैं, समोसे वगैरह वही चीज़ें खाए हैं। जी तो गाइस मेरे साथ एक बहुत अच्छे और माशाल्लाह पाकिस्तान के नामवर शख्सियत महबूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? और मसाला फैमिली फेस्टिवल ज़मानों से अटेंड कर रहे हैं और मेरी काफ़ी सारे ब्रांड्स अभी गार्ड राइस के साथ एसोसिएशन है, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होता है, फैमिलीज के लिए बड़ा आइडियल है और ख़ास तौर पे इसमें जो कैटेगरी आती है लोगों की, वो हमारी व्यूअरशिप जो है ख़वातीन की, होम कुक्स की, वो बहुत आती है, तो बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होता है, रश बड़ा होता है और बड़ा सक्सेसफुल इवेंट है। आप भी आएँ और इस इवेंट का पार्ट बनें। थैंक यू सो मच सर। तो गाइस अपनी करते हैं वीडियो का इंतजाम और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा जो आप करते हैं लोगों से उसको मेरे को फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस अपने पर के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।